दीवानी न्यायालय में चलने वाले परिवार वाद विवाद, मोटर एक्सीडेंटल एक्ट सहित अन्य कोर्ट दीवानी न्यायालय से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में भेजे जाने के विरोध में मंगलवार को दीवानी न्यायालय के सैकड़ों वकीलों ने अंबेडकर चौराहे पर सड़क पर उतरकर मोर्चा खोल दिया। इस दौरान दीवानी न्यायालय मोटर एक्सीडेंटल एक्ट के अध्यक्ष नेतृत्व में सैकड़ों वकीलों ने अंबेडकर चौराहे पर पहुंचकर चौराहों के चारों तरफ मानव श्रृंखला बनाकर आवागमन को बाधित किया तथा जमकर नारेबाजी की और आदेशों को वापस लेने की मांग की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेंद्र शाही ने कहा, वीरेंद्र शाही कहते हैं और मैं सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन गोरखपुर का अध्यक्ष। एक यहाँ मोटर क्लेम दावा प्राधिकरण का कार्यालय खुला है जिसको अलग से खोल दिया गया है तारामंडल में, और जिस स्थान पर वो खोला गया है वहाँ समझिए कि बिल्कुल जाने का स्थान नहीं, गाड़ियाँ खड़े करने का स्थान नहीं। दावा प्राधिकरण एक ऐसी जगह है जहाँ छोटे छोटे बच्चे, अबोध बच्चे, स्त्रियाँ, अबोध महिलाएँ वहाँ जाती है, और वहाँ से रास्ता उनके जाने का न हो या उनकी जान चली जाए, बरसात में वहाँ पानी भर जाता है, वहाँ किसी तरह से कार्यालय चल ही नहीं सकता। ऐसे में जरा बंद करवा दीजिए, ऐसे में
हम लोगों ने मांग किया और आदरणीय अपने मुख्यमंत्री जी से, और मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया कि ये हम बहुत जल्द ही डीएम से वार्ता करके उसको न्यायालय सिविल कोर्ट के इर्द गिर्द करवा देते हैं। डीएम ने भी हम लोगों को आश्वासन दिया और उन्होंने कहा कि हमने आदेश कर दिया है, लेकिन बात को उन्होंने उस आदेश को दबा लिया और अधिवक्ताओं का आक्रोश वैसे ही बरकरार है। और जब तक वो न्यायालय तारामंडल से शिफ्ट होकर दीवानी न्यायालय के भीतर या उसके इर्द गिर्द कहीं स्थापित नहीं कर दिया जाता, तब तक अधिवक्ताओं का आंदोलन चलता रहेगा। ये आंदोलन सिर्फ अधिवक्ताओं के हित के लिए नहीं है, ये आंदोलन वस्तुतः है जनता के लिए है। जो जनता वहाँ जा नहीं सकती या उससे पीड़ित होगी, तो हम जो पहले से पीड़ित पर दलित है, शोषित है, जो दुखियारा है, उसको न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसमें हम जनता की भी सहभागिता की अपील करते हैं। क्या अभी तक कोई सक्षम अधिकारी आके आप लोगों से ज्ञापन? आज देखिए कितने देर से हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, 10 बजे से हमारे अधिवक्तागण यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन कोई सक्षम अधिकारी न तो पुलिस का और न प्रशासन का हमारे पास आया, न ज्ञापन लिया और न उससे बातचीत की।